हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर रामलाल नामांकन भरने के बाद आज नैना देवी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उनका समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही रामलाल ठाकुर ने नैना देवी की जनता से कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की अपील की। मैंने और सुरेश चंदेल जी ने और मुकेश अग्निहोत्री ने हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर रखी थी और उसके बाद मैंने सोचा कि गोलथाई से आगे भाखड़ा और नैना देवी का जो एरिया है उसमें ये मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का तारीफ हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ। बाकी चुनाव का काम तो मैंने अपने आप करना है, पर क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, मेरे चुनाव क्षेत्र में मैंने सोचा मैं लोगों से जो है कॉन्टैक्ट करके इनको जिम्मेवारियाँ दूँ कि आपने जो चुनाव है इसमें जो है पूरी ताकत से आप लोगों ने चुनाव लड़ना है। अभी नैना देवी तक का जो एरिया है ये हमारी पंचायतें हैं, भाखड़ा है, माकड़ी है, नीचे सलोहा है, कटड़ी है और मंडियाली पंचायत है, ये सारी नैना देवी तक का जो एरिया है इसको मैं आज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अंडरकरंट है उसका आभास होता है कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो खुलकर सामने आए हैं और खुलकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। काम के बीजेपी ने नहीं किए हुए, वो लोग बीजेपी के बोल रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई नहीं करेगा चुनाव का, उन्हीं के वर्कर है, वो करें तो मेरे को फायदा होगा। ठीक है रामचंद्र जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उस समय से लेके 85 के बाद जो डेनी गांव में है वो सारे के सारे काम मेरे किए हुए हैं। जो सड़क कच्ची है पंजाब की तरफ से वो मैंने बनाई है, उनको बिजली मैंने दे रखी है, उनके पीने के पानी का इंतज़ाम अलग से पिछली बार मैंने वहाँ पे डीप बोर करवा के पानी उनको मैंने दे रखा है, गांव के रास्ते हमने बना रखे हैं। और इसी पंचायत में जो हमारे नीचे नांगे ठाकुर इसी पंचायत का हिस्सा है, ये जो डेणी गांव है ये इसी पंचायत में है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल होता था जिसको बढ़ा बढ़ा के मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया, वहाँ पे मैं आयुर्वेदा मिनिस्टर था तो वहाँ पे आयुर्वेदा डिस्पेंसरी दे रखी है, सड़क बाकायदा तौर पे जो है गांव में पक्की सड़क है, सारी DPR सारी सड़क मैंने बना रखी है। तो अब अगर डेणी गाँव के लोग अगर ऐसा बोलते हैं तो वो लोग हैं जो BJP के लोग हैं, वो चुनाव का बहिष्कार करें, मेरे को फायदा होगा उसका। उसकी सप्लाई ज़रा बधाई है वो नहीं है, हैंड पंप के लिखे दिया CM को, 2 हैंड पंप एक मंदिर में लगाया जाए, एक स्कूल के पास, वो भी नहीं लगा, तो हमारा इसमें इस पार्टी में बीजेपी में रहने का क्या मतलब, ये काम ही नहीं करते, हमारी आवाज़ ही नहीं सुनते। ये थाना पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर होने के बाद आते ही रहे, वैसे पहले ज़रा चलते थे पर ओपन नहीं थे इतने ना, उसके बाद रिटायर हो में आते ही 31-20-15 को ना 10वें महीने में रिटायर हो, उससे आते ही BJP में मिल गया, मिला लिया आते उन्होंने, आते ही BLA बना दिया था बूथ का। तो जब काम सरकार नहीं करती झूठे वैदे करते तो इसलिए छोड़ दिया हमने। तब हम जयराम ठाकर साहब पहले से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भाखड़ा में, हमारे स्कूल डिस्पेंसरी और बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए काम के लिहाज से हमने इनका हाथ थामा, देखो अब ये कैसे आगे बढ़ाते हैं हमारे को। BJP पार्टी छोड़ी है क्योंकि झूठे वैदे कर रहे हैं। MP साहब ने 10-11 महीने हमारा 3 लाख रुपये ऊपर हमने घोषणा कराई थी जो कि आज तक नहीं हुई, आज तक हमारे नहीं डाले, झूठे वैदे कर रहे हैं, छोटे छोटे काम नहीं करते हैं। हमने पहले भाखड़ा गांव में बिजली का बिल जहां जमा होता था, जबकि ये सरकार आई है एक आदमी को फायदा देने के लिए खुले हुए हैं, लोग मित्र केंद्र में जमा होता है जो कि 5 बजे लग जाते हैं, हमारी औरतें वहाँ बिल जमा कराने जाती है। मैंने CM साहब को भी लिखा, DC बिलासपुर को लिखा और कई इनको ex MLA को भी कहा, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि जो हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आज तक बिजली का बिल यहीं जमा होता था और बिजली वाले ही जमा लेने आते हैं। क्या एक छोटा सा मुद्दा, एक मेरे मेन आदमी BLA के कहने पर लिखने पर हमने व्यू तो दक्ष BLA लिखा वो नहीं कर सके, तो ये और हमारी जनता की क्या आवाज़ सुनेगी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।